शुरू होने वाला है, उसके पूर्व डॉक्यूमेंट्री आपके सामने प्रस्तुत होंगी। माननीय एकनाथ जी के जीवन और उनसे प्रणित कार्य पर आधारित विवेकानंद शिला स्मारक और विवेकानंद केंद्र, इसका यह अल्प एक छोटा सा परिचय रहेगा। ये परिचय इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आप सबको कराने का एक प्रयास है। पांच मिनट बाद 10:10 पर यह डॉक्यूमेंट्री शुरू होने वाली है। शुरुआत करने से पूर्व 11:30 से पूर्व आपके लिए कुछ विशेष डॉक्यूमेंट्रीज की व्यवस्था की गई है। विवेकानंद केंद्र का कार्य, माननीय एकनाथ जी का जीवन आपके सामने रखने का एक अल्प सा प्रयत्न है। वो डॉक्यूमेंट्रीज अब शुरू करेंगे, ज़रूर उसका आनंद लें। बहुत बहुत स्वागत। इस पर्व के उद्घाटन समारंभ के लिए उपस्थित हम सभी के लिए कुछ सूचनाएं हैं। माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में हम सबके साथ कुछ समय देने वाले हैं, उनका उद्बोधन हम सभी सुनने वाले हैं, लेकिन इसके लिए हम सभी के ऊपर कुछ दायित्व है। मैं कुछ सूचनाएं बताऊंगी जिसका हम सभी गंभीरता से पालन करेंगे। कार्यक्रम ठीक 11:30 शुरू होगा, उसके पहले ये डॉक्यूमेंट्री चल रही है, वो कुछ समय तक और चलती रहेगी। सभी श्रोताओं से निवेदन है कि अपने अपने मोबाइल्स स्विच ऑफ करें। यदि स्विच ऑफ करना नहीं चाहते हैं तो कम से कम साइलेंट करें, वाइब्रेशन में नहीं रखें। साथ ही साथ फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी भी अपने मोबाइल से नहीं करें। सामने से बहुत गलत दिखता है, कोई बोल रहा है और वहाँ से फ्लैशेस आते हैं, तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी अपने मोबाइल का उपयोग नहीं करे, ना फोटो खींचने के लिए ना बात करने के लिए। यहाँ अवेलेबल सीट्स है तो सारी सीटों का उपयोग करें, कुर्सियों का उपयोग करें। यदि कुर्सियाँ खाली नहीं होंगी तो कक्षा क्रमांक 6 दूसरे मंजिल पर, वहाँ भी व्यवस्था की हुई है, वहाँ जाएंगे। लेकिन ये जो रास्ते हैं, ये सीढ़ियाँ हैं, उन रास्तों में सीढ़ियों में कोई भी व्यक्ति खड़ा या बैठा हुआ नहीं होगा, कोई मूवमेंट उसमें नहीं हो। इस सभागृह के बाहर पुस्तकों का एक स्टॉल लगा हुआ है, सेल स्टॉल लगा हुआ है। उसमें विशेष रूप से माननीय एकनाथ जी जन्मशती पर्व के दृष्टि से 3 पुस्तकें रखी हुई हैं। एक पुस्तक है माननीय एकनाथ जी की जीवनी, एकनाथ जी यही नाम है। दूसरी पुस्तक है एकनाथ जी ने बताई हुई कथा विवेकानंद शिला स्मारक की, स्टोरी ऑफ विवेकानंद रॉक मेमोरियल एज टोल्ड बाय माननीय एकनाथ जी। और तीसरी पुस्तक है सेवा ही साधना, साधना ऑफ सर्विस, माननीय एकनाथ जी ने कार्यकर्ताओं के लिए दिए हुए भाषणों का संकलन है। तो आप उन पुस्तकों को ज़रूर खरीद सकते हैं। साथ ही साथ 2015 के लिए दैनंदिनी डायरीज भी रखी हुई है, जो जो देखना चाहते हैं देख सकते हैं, खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री इसके बाद दिखाई जाएगी माननीय एकनाथ जी के जीवन पर। वो डॉक्यूमेंट्री के बाद में एक
छोटी सी फिल्म फिल्म का प्रोमो दिखाया जाएगा विवेकानंद केंद्र की ओर से, एकनाथ जी एक जीवन एक ध्येय इस नाम की फिल्म तैयार हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, काम चल रहा है, उसका प्रोमो हम सबको देखने का आज लाभ मिलने वाला है। उस फिल्म के निदेशक निर्देशक है सुदर्शन और मनोज, सिनेमाटोग्राफर है पद्मेश, संगीत दिया है A.S. राम और एकनाथ जी की भूमिका में है अजय रोहिला। ये छोटी सी 2 मिनट की प्रोमो फिल्म आपको दिखाई जाएगी, बाद में इसकी बड़ी फिल्म आएगी। उस फिल्म के पूर्व एकनाथ जी के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी आपको दिखाई जाएगी, उसका ज़रूर आनंद लें। धन्यवाद। भद्रं कर्णेभिश्रुणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सं समिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्या इळस्पदे समिध्यसे सनो वसून्याभर सङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्र समिति समानि समानं मनसः चित्तमेषां समानं मन्त्रमभिमन्त्रयेव समानेन वो हविषा आजुहोमि समानि वाकूति समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वसु सहासति ईशावास्यमिदगं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथामागृधकस्य स्विद्धनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एक जीवन एक ध्येय, ऐसे माननीय एकनाथ जी उनके जन्मशती पर्व का उद्घाटन समारोह आज, और इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का, मंचासीन मान्यवर मार्गदर्शक मंडल का, सभी का स्वागत करने के लिए आदरणीय कृष्ण कुमार अस्थाना जी को मैं नम्र निवेदन करती हूँ। आदरणीय अस्थाना जी इस समिति के, पर्व समिति के उपाध्यक्ष हैं। पूज्यपाद स्वामी जी, समिति के अध्यक्ष श्रद्धेय दीपक दा, मंच पर उपस्थित अन्य माननीय महानुभाव, समादरणीय बंधु और भगिनी, एक व्यक्ति जिसने
अपने संपूर्ण जीवन को मातृभूमि के लिए होम दिया। वन लाइफ एंड वन मिशन केवल कहा नहीं तो 50 वर्ष से अधिक अपने आप को तिल तिल गलाकर मातृभूमि के लिए यह सिद्ध कर दिया कि माँ के चरणों में इस प्रकार भी अपना अर्घ चढ़ाया जा सकता है। नेतृत्व, वक्तृत्व और कर्तृत्व तीनों की दृष्टि से एक अभूतपूर्व व्यक्तित्व, उसका स्मरण हम इस वर्ष भर के कार्यक्रम में करेंगे। ऐसे एक ऐसा व्यक्ति जिसने कन्याकुमारी में शिला स्मारक के माध्यम से एक ऐसा काम खड़ा कर दिया जिससे विश्व सदा सदा के लिए याद करेगा, और साथ ही विवेकानंद केंद्र के माध्यम से जीवन व्रति कार्यकर्ताओं का एक इतने बड़े संगठन का निर्माण कि हम भव्य भारत, हम दिव्य भारत अपनी आंखों से देख सके, ऐसा एक बड़ा काम करा। उनकी स्मृति में उनका शताब्दी पर्व हम एक वर्ष पर यहाँ संपन्न करेंगे। आज इस कार्यक्रम के निमित्त आप सब दिल्लीवासी और देश के विभिन्न भागों से आए हुए समस्त बंधु और भगिनियों का मैं समिति की ओर से विनम्र अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। आज इस कार्यक्रम के निमित्त हमारे साथ हमारे मंच पर उपस्थित हैं कुछ श्रेष्ठ अत्यंत महानुभाव। मैं बालकृष्ण जी से निवेदन कर रहा हूँ उनके अभिनंदन के लिए। डॉक्टर एम लक्ष्मी कुमारी जी, डायरेक्टर विवेकानंद केंद्र वैदिक विजन फाउंडेशन, इनका अभिनंदन करेंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट बालकृष्ण। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, लक्ष्मी कुमारी जी हमारे केंद्र की पूर्व में अध्यक्ष रही हैं और अभी भी वे उस सेवा कार्य में लगी हुई। आज हम सबके सौभाग्य से भारत माता मंदिर के कार्याध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी गोविंद गिरी जी हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं बालकृष्ण जी से निवेदन कर रहा हूँ कि पूज्यपाद स्वामी जी का अभिनंदन करें, सम्मान करें। स्वामी चैतन्यानंद जी कन्याकुमारी में ही विराजकर एक दूसरा इसी प्रकार का बड़ा काम कर रहे हैं। उनके माध्यम से वहाँ पर हिंदू धर्म विद्यापीठम इसका संचालन हो रहा है। सौभाग्य से हमारे बीच में आज उपस्थित हैं बालकृष्ण जी, उनका सम्मान कर रहे हैं। और हमारे बीच में उपस्थित हैं पूज्य प्रमिला ताई मेढे, राष्ट्र सेविका समिति की पूर्व संचालिका के रूप में आपने देश भर में घूम करके मार्गदर्शन किया है। इस अवस्था में भी वे लगातार संपूर्ण देश भर का प्रवास करती हैं और हम सबका मार्गदर्शन कर रही हैं। आपके माध्यम से एक श्रेष्ठ संगठन बड़ी कुशलतापूर्वक महिलाओं में काम कर रहा है, धन्यवाद। सामान्य जनों के संगठित प्रयासों से असामान्य कार्य खड़ा करने वाले विवेकानंद शिला स्मारक विवेकानंद केंद्र की स्थापना करने वाले माननीय एकनाथ जी रानड़े, उनके विषय के बारे में हम सभी जानना चाहते हैं। विवेकानंद केंद्र के उपाध्यक्ष माननीय बालकृष्णन जी से नम्र अनुरोध है कि माननीय एकनाथ जी के जीवन के बारे में हम सभी को अवगत कराएं। माननीय बालकृष्णन जी। रविवेड स्वामी गोविंददेव गिरी जी, रविवेड स्वामी चैतन्यानंद जी, रेस्पेक्टेड डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी, रेस्पेक्टेड प्रमिला ताई जी,
एकनाथ जी जन्मशती समारोह समिति चेयरमैन श्री दीपक ठाकुर जी, जस्टिस सी वी रामलु जी, श्रद्धेय कृष्ण कुमार अस्थेना जी, डिस्टिंग्विश्ड इनवाइटीज, परिवार बंधुस, केंद्र कार्यकर्ता, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, ऑन द ओकेशन ऑफ द इनॉग्रेशन ऑफ द जन्मशती पर्व ऑफ स्वर्गीय एकनाथ जी रानडे, द स्पिरिट बिहाइंड the Vivekananda Rock Memorial and Vivekananda Kendra, Kanyakumari. I, on behalf of Kendra, offer our heartiest pranams to all the leading and enlightened personalities assembled in this Vigyan Bhawan auditorium. Sisters and brothers, it is needless to stress here that many of you in the audience had occasion to work with Eknathji while he was a Sangaka Adhikari or when he had taken up the work of construction of Vivekananda Rock Memorial at Kanyakumari. I have been asked to say a few words about my association and experience while working with him. I consider it a great honor that I have worked under him for. Eknathji was a multifaceted personality, and it is very difficult to say which facet of his life was more bright and colorful. But it was a life full of challenges and achievements. Belonging to a very humble family, facing all problems and hardships from the childhood days, he rose to extraordinary heights. His life was an example of high dedication. Right from the college life, he became a full-time RSS Pracharak and continued so till his last breath. It was a life of dedication personified. Eknathji was a visionary of highest order, a Dirgadarshi. During 1950, when there was an earthquake of very high intensity in the northeast region of India, and the river Brahmaputra changed its course, resulting in most parts of Assam and nearby areas being inundated under flood waters, causing extensive damage, loss of property. Eknathji, as a Purvanchal Pracharak of the RSS, had organized massive relief work in those areas. During that time, Parampoojaniya Guruji Golwalkar, who was the Sarsang Chalak, visited that area along with Eknathji to have a first-hand report of the colossal loss of life and property. At that time, Eknathji had apprised Guruji that the entire northeast region is a melting pot and needs immediate attention. He told Guruji that anti-national forces are working freely and openly to deface the cultural mosaic of Assam and other indigenous faiths of northeast areas. He stressed upon Guruji to spread the networking of RSS in those far-flung areas. How a truthful Eknathji's assessment of the northeast 65 years ago, it is all visible today. Eknathji was a man of high commitment and obedience. When Parampoojaniya Guruji entrusted him with the work of Vivekananda Rock Memorial, he readily accepted it, even though he never had experience of constructing any memorial or mandir in the past. For Eknathji, it was an ajna, the obedience to the hierarchy, and it was to be followed implicitly. His obedience was remarkable. His commitment for the given cause was unquestionable. Eknathji was a good strategist. When he took up the work of Vivekananda Rock Memorial, he had to confront with many problems from various sources. With a cool head and boldness, he prioritized the work. He handled the situation very effectively and firmly while dealing with the Professor Humayun Kamir, the then tourism minister, who opposed the very idea of Vivekananda Rock Memorial in Kanyakumari tooth and nail. Eknathji humbled him shrewdly, and Professor Kabir had to withdraw his opposition. Similarly, he brought all those who were opposing the Vivekananda Rock Memorial in Kanyakumari by persuasion and reconciliation to his side. Even the obstinate Chief Minister of Tamil Nadu, Sri M. Bhaktavalsalam, who said that Vivekananda Rock Memorial in the mid-sea would never be allowed during his lifetime, had to change his views and toe the line as suggested by Eknathji. Sri Bhaktavalsalam became an ardent supporter of Vivekananda Rock Memorial later. The credit goes to Eknathji's
style of handling people, occupying even in high position. Eknathji was a man who believed in hot pursuit. He never left anything for chances or resorted to casual approach. When late Sri Lal Bahadur Shastri asked Eknathji to prepare a memorandum for submitting to Pandit Jawaharlal Nehru to get his consent for the construction of Vivekananda Rock Memorial at Kanyakumari, duly signed by as many MPs as possible, Eknathji immediately plunged in the task of getting the signatures of members of parliament belonging to different political ideologies. His ability for hot pursuit and his persuasive capacity enabled him to get the signatures of 323 members of parliament within 3 days, fully supporting the need for a befitting memorial to Swami Vivekananda in the mid-sea at Kanyakumari. This act of Eknathji exhibited high commitment to the given task and his ability to persuade all sections of the people, irrespective of what political color they carried. As a master organizer, Eknathji very capably galvanized a team of highly dedicated and competent people for the erection of Vivekananda Rock Memorial in quick time. The most difficult task undertaken by Eknathji in his lifetime found fruition in a record time of 6 years. He evolved a very unique fundraising program whereby he could reach out even to the common man who also contributed ₹1 and had the fulfillment of owning the great memorial. 30 lakhs of people contributed ₹80 lakhs and made it a truly national monument. Central and state governments, industrialists and businessmen also contributed for this national cause without any reservation. Eknathji was highly inspired by Swami Vivekananda's life and message. As a college student, he studied Swamiji's life and got himself fully saturated with his patriotism and love for Bharatiya Sanskriti. As Swami Vivekananda was the sheet anchor for the Indian freedom movement, Eknathji was always of the view that the great Swamiji's message of love for Bharat should be preached to the younger generation, out of whom the new workers will come out like young lions. He therefore, after the construction of Vivekananda Rock Memorial, immediately engaged himself to spread the message of Swami Vivekananda to the nook and corner of India. His oft-quoted words are, to quote, "Vivekananda Rock Memorial is only a monument in granite stone to perpetuate Swamiji's historic meditation on the rock. Whereas the Vivekananda Kendra, a spiritually oriented service mission, is a memorial in flesh and blood to carry his message to the younger generation. Therefore, Eknathji started training and deploying young men and women as Jivanmrutis, missionaries, to devote themselves in service activities and thereby carry the message of selfless service and potential divinity of man as preached by great Swami Vivekananda. As envisioned earlier, he felt the country's northeastern region needs prompt and careful attention. Therefore, he gave priority for that area and deputed a team of Jivanmrutis to Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, etc. Eknathji direction to the young Jivanmrutis who were deputed northeast region was very clear and straightforward. The people living in those far-flung hilly areas should develop love for the country, and therefore their patriotic fervor should be triggered. Giving formal education by setting up a chain of schools in the northeast region border areas to give man-making and character-building education was the need of the hour. Kendra, within a decade, could set up a number of such education institutions in Assam, Arunachal Pradesh, and Nagaland. Intensive and extensive rural development programs, along with the health and hygiene work in the interior tribal areas, have created a congenial atmosphere for Kendra work. While taking up all these service activities, Eknathji gave a very free hand and timely encouragement to the Kendra workers. Vivekananda Kendra fulfilled the dream of Eknathji by setting up an institute of culture in Guwahati, Assam, to cater the needs of the northeastern states. Another dream of Eknathji was fulfilled when Kendra set up the Vivekananda International Foundation in Delhi in 2009 as an independent and non-partisan institution that promotes quality research and offers a platform for dialogue and conflict,
conflict resolution. Three of the programs as dreamt by Eknathji, which are yet to be given practical shape, are: one, setting up 12 zonal centers for the training of dedicated workers, setting up a research on Yoga Vedanta of international standard in Kanyakumari, setting up model education institutions for girls in all the districts of India. We are sure, by the blessings of the Almighty Goddess Kanyakumari, Kendra will be able to fulfill all the dream projects of Eknathji as early as possible. With these words, I conclude by thanking all of you once again. Vande Mataram. माननीय एकनाथ जी के उत्तर पूर्वांचल के लिए जो विजन थी उसको अपने जीवन का मिशन बनाकर कार्य करने वाले आदरणीय दीपक कुमार बौरठाकुर जी इस माननीय एकनाथ जी जन्मशती पर्व के अध्यक्ष के रूप में हम सबके साथ हैं. उनको नम्र निवेदन है कि इस जन्मशती पर्व का प्रवरों की प्रस्तावना हम सबके सामने रखें, एक परिचय दें. समय को प्रावधान ध्यान में रखते हुए मैं मेरा मंतव्य आपको सामने में रखूंगा. पूज्यपाद स्वामी गोविंदादेव गिरी जी, पूज्यपाद स्वामी श्री सत्यानंद जी, श्रद्धेया प्रमिलाताय मेहरे जी, डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी दीदी, श्रद्धेय कृष्ण कुमार जी, जस्टिस सी बी रामलु जी, माननीय बालकृष्ण जी, माननीय अतिथिगण, माननीय एकनाथ जी जन्मशती पर्व आयोजक समिति के सदस्यगण, विवेकानंद केंद्र के कार्यकर्तागण, भग्नी और भ्राताओं, माननीय एकनाथ जी के प्रेरणादायी जीवन और आदर्श को स्मरण करते हुए हम इस वर्ष लगातार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे. कार्यक्रमों में हमेशा उनके हृदय और कार्य को करीब रहे युवाओं और पूर्वोत्तर की जाति जनगोष्ठी पर विशेष दृष्टि रहेगी. उनमें प्रमुख है सफल युवा भारत, स्वामी विवेकानंद के युवाओं के प्रति संदेश को समर्पित इस महाअभियान को चार चरणों में संपन्न किया जाएगा. युवा संपर्क देश के युवाओं के मनोबल के बढ़ाने के लिए संपर्क कार्यक्रम आयोजित होंगे. युवा सम्मेलन, भारत भर में 500 युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा. युवा प्रशिक्षण, यह प्रशिक्षण कार्यक्रम युवाओं में सेवा भाव की जागृति के लिए होगा. युवा सेवा, इसमें शामिल युवाओं को सेवा कार्य का प्रशिक्षण दिया जाएगा. एकनाथ जी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए हमारे स्थानीय भाई बहनों के लिए भुवनेश्वर में सम्मिलित संस्कृति और योग का साथ ही प्रबंधन को समर्पित विवेकानंद केंद्र एकेडमी की शुरुआत, कन्याकुमारी में देश के विचारों को और नेताओं का मूल बसिंदों की समस्याओं के चिन्हित करने और समाधान के लिए जनजातीय लोगों का एक अधिवेशन का आयोजन दिसंबर 2015 साल में अनुष्ठित होगा. अरुणाचल प्रदेश में ह्यूमन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की शुरुआत, केंद्र के शाखा के विस्तार देश के सभी जिलाओं में, ये पूर्व नियोजन स्तर पे है. इसको पूर्ण नियोजन का कुछ समय लाएगा, थोड़ा चेंजेस भी होगा, बदला भी होगा, मगर आज अचानक ये ऐसा लग रहा है कि एक नई भारत का उदय हो रहा है. ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कई असफल शुरुआत के बाद हमने आज़ादी के समय जिस भारत की कल्पना की थी वो अब आकार ले रहा है. यह हमारे लिए किसी सुअवसर का से कम नहीं. जब हम एकनाथ जी को विचारों का लीजिए और उनके विचारों के आत्मसात करिए जिस पर वे हमेशा चले और लोक कल्याण का कार्य किया. एक ऐसा भारत जहां सभी नागरिकों के लिए सम्मान अवसर हो, एक भारत जो शक्तिशाली हो, दयालु हो, एक भारत जिसका विश्व में उचित स्थान हो, इस पावन अवसर पर आइए हम सब अपने सपनों को भारत के निर्माण के लिए मिलजुल कर एक साथ काम करें. एक जीवन एक अभियान के संकल्प रहे. धन्यवाद, नमस्कार.
माननीय एकनाथ जी जन्मशती पर्व आशीर्वाद दें। स्वामी गोविंद गिरी जी, नमामि सद्गुरुं शांतम सच्चिदानंद विग्रहम पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशम आळंदी वल्लभम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैक पाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुरी रसकल्लोलां शिवशक्त्यैक रूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। यस्य देवमयी वाणी वेदमयी वाणी, यस्य देवमयी तनुः, यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः, स गुरुः पातु मां सदा। हम सभी लोग अत्यंत भाग्यवान हैं कि इस मंगल क्षण के हम लोग साक्षी हो रहे हैं। अभी कहा गया कि मुझे यहां पर आशीर्वचन प्रदान करना है। इस मंच पर आकर के आशीर्वचन की बात करने का साहस मैं नहीं कर सकता। मैं अपने प्रणाम और अपना अर्घ्य अर्पण करने के लिए यहां पर आया। क्योंकि जिस महापुरुष का जन्मशती वर्ष हम लोग आरंभ कर रहे हैं, उस महापुरुष की योग्यता हिमालय जैसी है। हम सब लोग आज अनुभव कर रहे हैं कि भारत में अच्छे दिन आ चुके हैं। अच्छे दिन आ चुके हैं और भी अच्छे आने वाले हैं। अच्छे दिनों के आगमन की अनेक घटनाएं हम गत अनेक महीनों से देख रहे हैं और सबका कुल मिलाकर के एक परिणाम देख रहे हैं। वो ये है कि विश्व में भारत की साख बढ़ रही है और भारतीयों का आत्मविश्वास निरंतर बढ़ता जा रहा है। यह सब जो कुछ हुआ और यह सब जो कुछ होगा, इसके होने के लिए जिन लोगों ने अपने संपूर्ण जीवन अर्पण कर दिए, उसकी अग्रिम पंक्ति में नाम है एकनाथ जी रानड़े जी का। एकनाथ जी रानड़े वे महापुरुष रहे जिन्होंने आज के आए हुए और आगे आने वाले अच्छे दिनों की पार्श्वभूमि तैयार की, पृष्ठभूमि तैयार की और नींव रखी। कैसे ऐसा कदाचित आपको लगेगा, जब जब मैं स्वामी विवेकानंद जी के और एकनाथ जी के जीवन की ओर दृष्टिक्षेप करता हूं तो मुझे मध्यकालीन भारत याद आता है। एक समय ऐसा आ गया था कि संपूर्ण भारत का राष्ट्रीय समाज हतोत्साहित हो गया था। लोगों को लग रहा था कि यह अंधकार मिटने वाला नहीं। लोगों को लग रहा था कि पुनः कभी इस देश का राष्ट्रीय समाज यहां पर सम्मान से जीने की अब आशा रख सकता नहीं। और ऐसे समय में महाराष्ट्र में संतों की एक परंपरा खड़ी हुई। संतों की परंपरा ने वो वातावरण तैयार किया जिस वातावरण के परिणाम स्वरूप छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय हुआ। उन संतों में समर्थ रामदास स्वामी का विशेष स्थान था। समर्थ रामदास स्वामी ने देखा कि सर्वत्र अंधकार है और इतना दब गया है यहां का समाज, आत्मविश्वास लगभग समाप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में उस महापुरुष ने एक विचार किया कि यदि इस समाज को पुनः खड़ा करना हो तो पुनः विजय की संजीवनी बूटी देनी पड़ेगी और इसलिए एक आराध्य और एक आदर्श सामने रखने पड़ेंगे। आराध्य के रूप में समर्थ रामदास स्वामी ने भगवान श्री रामचंद्र को चुना। जो भगवान श्री राम उस समय के सारे अंधकार को चीर करके पीढ़ियों तक जिस रावण की एक चुनौती सारा संसार झेल रहा था, उस चुनौती को समाप्त कर दिया और उसके लिए समर्पण करने वाले भक्तराज
हनुमान जी का जीवन आदर्श के रूप में समर्थ रामदास स्वामी ने रखा, आराध्य के रूप में विजय मूर्ति भगवान श्री राम और आदर्श के रूप में सेवा मूर्ति श्री हनुमान, इनको स्थापित करके समर्थ रामदास स्वामी ने और संतों ने ऐसा वातावरण निर्माण किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आप सारे समाज से सहयोग मिला और संसार ने देखा पुनः एक हिंदू राजा सिंहासन पर जाकर के विराजमान हुआ, जिसका अभिषेक करने के लिए काशी से गागा भट्ट आए। वह एक इतिहास का परिवर्तन था। उसी प्रकार की अवस्था गत 150 वर्षों में इस देश में हुई थी। यहां का समाज अपना आत्मविश्वास लगभग खो चुका था। पूज्य स्वामी जी ने अपने भ्रमण में जो देखा वो यही था कि यहां के संपन्न लोग सारे आराम तरफ जीवन जी रहे हैं, यहां का पढ़ा लिखा समाज अंग्रेजों का अनुकरण करने में मशगूल हो गया है और बाकी समाज दारिद्र्य और अज्ञान में इतना पिस गया है, इतना डूब गया है कि ऊपर आने की वह आकांक्षा नहीं कर सकता। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने हम लोगों के सामने एक महान लक्ष्य रखा, लेकिन उनके द्वारा रखे गए लक्ष्य और आदर्श को जन जन तक योजना पूर्वक पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया है तो वो विवेकानंद केंद्र ने किया, विवेकानंद शिला स्मारक ने किया और वह एकनाथ जी रानड़े ने करवाया। माननीय एकनाथ जी ने हम लोगों के सामने जो मूर्ति रखी है वो मूर्ति आराध्य प्राणप्रिय भारत माता की मूर्ति है, जो कि स्वयं स्वामी जी का संदेश था। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने निरंतर एक बात हम लोगों को कही, इस देश का उत्थान यहां के युवकों को करना है और इस उत्थान के लिए उन्हें अपनी सारी बातों को भुला करके, सारे छोटे मोटे देवी देवताओं को भी कुछ वर्षों तक विसार करके अखंड भारत माता की सेवा करने के लिए अपने जीवन को अर्पण करना है। यह संदेश पुनः एक बार इस देश में घूमना आवश्यक था। स्वामी जी महाराज तो कहकर के चले गए, लेकिन स्वामी जी का वह संदेश प्रदूषण रहित अनपोल्यूटेड फॉर्म में लोगों के सामने जाना आवश्यक था। मैं अनपोल्यूटेड फॉर्म जो कह रहा हूं, ये जानबूझकर के कह रहा हूं। अनेक लोगों ने स्वामी जी के विचारों में से कुछ कुछ बातें लेकर के स्वामी जी की बातों को लोगों के सामने रखा, लेकिन जो जो स्वामी जी ने कहा वो सारा का सारा रखने का साहस किसी का नहीं हो रहा था। वह साहस एकनाथ जी ने किया, संपूर्ण स्वामी जी का अनुकरण करना चाहिए। स्वामी जी का संपूर्ण जीवन, स्वामी जी का संपूर्ण जीवन संदेश, स्वामी जी की जीवन की शैली यदि यहां के युवकों के सामने आएगी तो यह राष्ट्र अपने आप उठेगा। क्योंकि जैसा कि रोमा रोला कहते हैं, अरे स्वामी जी बोले तब क्या हुआ होगा पता नहीं, स्वामी जी के भाषण जब पढ़ते हैं तो भी हमारे धमनियों का खून अधिक वेगवान हो जाता है, हम पुनः पुनः रोमांचित हो जाते हैं, हमारे भीतर स्फूर्ति की लहर उठती है। यह जब केवल स्वामी जी के व्याख्यानों को पढ़ते समय होता है तो स्वामी जी के व्याख्यानों को जिन्होंने सुना होगा उनका क्या हुआ होगा, स्वामी जी के भीतर किस प्रकार की ज्वाला जगी होगी। वह ज्वाला पुनः इस देश के नवयुवकों में जगानी हो तो करना क्या पड़ेगा, उस महान राष्ट्र पुरुष ने चिंतन किया और निश्चय किया कि इसके लिए एक ही काम करना होगा, और वह स्वामी विवेकानंद का आदर्श युवकों के सामने रखना होगा। और यदि वह आदर्श रखना है तो उसके लिए यथास्थान उनके भव्य जीवन के अनुरूप एक भव्य स्मारक भी बनाना होगा, ताकि एक नया तीर्थ निर्माण हो जाए। हमारे देश ने अनेक तीर्थ देखे हैं, हमारा देश तो तीर्थों से भरा हुआ है, लेकिन स्वामी जी की भाषा में कहूं तो संपूर्ण भारत का कण कण ही तीर्थ है, संपूर्ण भारत माता तीर्थ रूप है। किंतु प्रेरणा प्राप्त करने के लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं सगुण साकार प्रतिमा की आवश्यकता होती है, और इसीलिए माननीय एकनाथ जी ने हम लोगों के सामने
एक अजस्र प्रेरणा स्रोत के रूप में, एक आदर्श के रूप में पूज्य स्वामी जी का दिव्य भव्य ऐसा स्मारक हमारे सामने रख दिया, लेकिन व्यक्ति पूजा के रूप में नहीं। व्यक्ति पूजा का हमारे देश में वैसे कोई स्थान नहीं, लेकिन फिर भी व्यक्ति पूजा न होने पर भी हम लोग मूर्ति पूजा में मानते इसलिए हैं कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं वे सारे सिद्धांतों के समूर्त रूप बन जाते हैं। भगवान श्री राम भी क्या है, महर्षि वशिष्ठ मुनि ने कहा रामो विग्रहवान धर्मः, दैट सो मच आइडेंटिफाइड विद दोस प्रिंसिपल्स। और इसलिए जो उन महान तत्वों के समूर्त रूप बन गए उनके व्यक्तित्वों का स्वागत करना, उनका आदर्श लोगों में अनुप्राणित हो इसलिए उनकी स्थापना करना, यह भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और इसीलिए विवेकानंद शिला स्मारक के रूप में हम लोगों के लिए माननीय एकनाथ जी ने अत्यंत परिश्रम पूर्वक वह भव्य दिव्य स्मारक खड़ा किया, एक तीर्थ खड़ा कर दिया। और आप देखते हैं हमारे देश का जो भी युवक वहां पर पहुंचता है अथवा वहां के चित्र भी देखता है अथवा वहां की वार्ताएं भी सुनता है वो रोमांचित होता है। माननीय एकनाथ जी ने यह जब खड़ा किया तो उनको केवल पूजा के लिए एक स्थान निर्माण नहीं करना था, उनको उनकी आराध्या पूज्य स्वामी जी की भी आराध्या और हम सब की भी आराध्या, भारत माता का एक एक कण किस प्रकार चैतन्यमय हो जाए और वहां से दारिद्र्य दुख शोषण कैसे नष्ट हो जाए इसका विचार करना था। और इसीलिए जहां पर अधिक पीड़ा है, जहां पर अधिक शोषण है, जहां पर धर्मांतरण है और जहां पर मानवता की क्रूर हत्या हो रही है, उपहास हो रहा है, ऐसे ईशान्य भारत की ओर उन्होंने ध्यान दिया। और उन्होंने कहा कि यह तीर्थ केवल यहां पूजा का तीर्थ नहीं रहेगा, यहां से प्रेरणा प्राप्त करके यहां के युवक, हमारे देश के युवक, हमारे देश की युवतियां उस प्रेरणा को अंतःकरण में भर के विशेष रूप से भारत में सर्वत्र जाना तो ठीक है, भारत को जागृत करना तो ठीक है, लेकिन जो पीड़ित अंग है उसकी ओर प्रथम ध्यान देना आवश्यक है। यह ध्यान न लेकर के ईशान्य भारत में जाएंगे और ईशान्य भारत की सेवा के लिए वे अपने जीवन का समर्पण करेंगे। एक सुंदर शब्द का निर्माण माननीय एकनाथ जी ने किया, जीवन व्रति। जीवन व्रतियों की श्रृंखला निर्माण करना, जीवन व्रतियों की परंपरा चलाना, यह उन्होंने अत्यंत श्रेष्ठ कार्य आरंभ भी किया और हमारे सामने उस कार्य को कैसे करना चाहिए इसका संपूर्ण मार्गदर्शन भी कर दिया। और यह जीवन व्रति क्या होते हैं, यह जीवन व्रति शब्द जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे स्वर्गीय पंडित दीनदयाल जी के उस शब्द का स्मरण होता है, उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था। वे कहते थे कि सन्यासी नहीं मुझे प्रन्यासी चाहिए, सन्यासी नहीं प्रन्यासी चाहिए। अब सन्यासी और प्रन्यासी में क्या अंतर हो सकता है, जिन्होंने उपाध्याय जी का साहित्य देखा नहीं होगा उनको ध्यान में शायद नहीं आएगा, लेकिन वे एक बात कहते थे कि सन्यास हमारे देश की परंपरा में सर्वोच्च व्रत है। सन्यास का व्रत सर्वोच्च तो है, लेकिन जो सन्यास ग्रहण करता है उसकी उसके प्रति लोग अत्यंत आदर भाव से देखते हैं, उसमें अपने स्वयं में एक अंतर अनुभव करते हैं और मुझे लोगों में पूरी तरह घुल मिल जाए और काम करते रहे, ऐसे कार्यकर्ता चाहिए। इसलिए सन्यासी का ही जीवन अंतरंग में जीते हुए लेकिन बाहर से सन्यास से प्राप्त होने वाले गौरव की भी अभिलाषा न रखने वाले ऐसे प्रन्यासियों की आवश्यकता है। यह अत्यंत बड़ी बात थी, यह पंडित दीनदयाल जी का शब्द है। वास्तव में वे भी इसी प्रकार के हैं। ये जो वातावरण आज निर्माण हो रहा है अच्छे दिनों के आने का, उसकी पंक्ति में जो जो लोग हैं उनमें ये सारे पवित्र नाम हैं। माननीय एकनाथ जी ने भी जीवन व्रति के रूप में एक प्रन्यासी के समान ही व्यवस्था निर्माण की। व्यवस्थाओं का निर्माण करना और उन परंपराओं को चलाने के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन देना,
यह सामान्य बात नहीं है, यह असाधारण बात है। कार्य खड़े होते हैं और दो पांच वर्षों में कार्य समाप्त हो जाते हैं, कार्य खड़े होते हैं 20-25 वर्षों में कार्य की इतिश्री हो जाती है, ऐसा नहीं। एक ऐसा कार्य खड़ा करना जो कार्य शताब्दियों तक सहस्राब्दियों तक इस देश की सेवा करता रहे और इस देश के नसों में पुनः उस चैतन्य को जागृत करने का प्रयास करता रहे जो चैतन्य हमारे वैदिक ऋषियों में था, जिस चैतन्य के बल पर हमारे ऋषि कहा करते थे, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। आओ संसार के सारे लोगों, आओ और जीवन कैसे जीना चाहिए इसके पाठ यहां पर आकर के ग्रहण करो। कैसा आत्मविश्वास है यह, सारे संसार के लोगों को ललकार करके हमारे ऋषि कहते हैं, भगवान मनु कहते हैं, आइए आपको यहां पर जीवन की विद्या पढ़ने मिलेगी। जीविका की विद्या एक और विद्या होती है, लेकिन जीवन जीने की विद्या एक और विद्या होती है। उपजीविका की विद्या से पेट भरता है, लेकिन जीवन की विद्या से जीवन में निखार आता है और अमृतत्व की प्राप्ति होती है। उस अमृतत्व की प्राप्ति के लिए किस प्रकार जीवन जीना चाहिए उसके सारे पाठ हमारा यह देश, हमारे देश के ये महान ऋषि आपको सिखाएंगे। यह पुनः एक बार जागृत करने की आवश्यकता है। भारत महान था, लेकिन मध्य युग में भारत की ये महानता लुप्त सी हो गई। संसार में उसके कारणों में जाने की आज आवश्यकता नहीं, लेकिन अनेक कारणों से भारत माता की वह छवि लोगों के अंतःकरण में उतनी आदरणीय नहीं रही, उतनी महनीय नहीं रही, उतनी गौरव संपन्न नहीं रही। हमारे पूज्य स्वामी विवेकानंद जी हो या माननीय एकनाथ जी हो, चाहे पंडित दीनदयाल जी हो, इन सारे लोगों ने एक काम अपने अंतःकरण में रखा, एक भावना अपने अंतःकरण में रखी, और वो ये थी कि इस राष्ट्र के गौरव को पुनः जगाना चाहिए। इस राष्ट्र का गौरव जागृत होना आवश्यक है, इस राष्ट्र की अस्मिता जागृत होना आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज का जीवन में सर्वोच्च कार्य क्या था? सर्वोच्च कार्य, बाकी तो अनेक काम उन्होंने किए, उनके सारे कामों को यहां पर उल्लेखित करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सबसे महान कार्य उनका यह था कि इस देश का जो आत्मविश्वास खो गया था, उस आत्मविश्वास को उस महान पुरुष ने जगाया और भारत के लोगों को लगने लगा कि हाँ हम भी कुछ है। स्वामी जी के जीवन के पूर्व हम लोग देखते हैं, भारतीयों की ओर देखने की, हिंदुओं की ओर देखने की सारे संसार की दृष्टि उपेक्षा की थी, तुच्छता की थी, और जैसे ही स्वामी जी को सुना, स्वामी जी के संपर्क में लोग आए और स्वामी जी की बातों को सुन करके उन्हें प्रश्न पूछने लगे, अपनी आशंकाओं का समाधान करने लगे, तो उनको भी लगने लग गया कि अरे जिस देश का एक युवा सन्यासी आकर के हम लोगों को यह ज्ञान का बोध करा सकता है, उस देश में जाकर के हम क्या पढ़ा सकते हैं, उल्टे हम लोगों को उस देश में जाकर के वहां के गुरुओं के चरणों में बैठ करके जीवन की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। उस समय से हम लोग देख रहे हैं कि वास्तव में पश्चिम से लोगों का आगमन हमारे देश की ओर आरंभ हुआ, सीखने के लिए, आलोचना के लिए नहीं, सिखाने के लिए नहीं, देने के लिए नहीं, लेने के लिए, ज्ञान के कणों को ग्रहण करने के लिए। लाइट हैज ऑलवेज कम फ्रॉम द ईस्ट, स्वामी जी ने कहा, फ्रॉम द ईस्ट लाइट हैज ऑलवेज कम फ्रॉम इंडिया, इंडिया एंड इंडिया अलोन। सारे संसार को प्रकाश देने का महान कार्य हमारे देश ने किया है, लेकिन जब आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है और मनुष्य न्यूनगंड का, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का बलि बन जाता है, उस समय सारी भीतर की शक्ति होने पर भी वह कर सकता है कुछ नहीं। इसलिए किं कर्तव्य विमूढ़ होकर के यह सारा देश जब बैठा था, उस समय इस देश के आत्मविश्वास को जगाने का महान कार्य स्वामी जी ने किया। उसी प्रकार का आत्मविश्वास हमारे भी भीतर जगने की आवश्यकता थी। हम लोगों को भी लग रहा था कि अरे अब ऐसे शासन चलने वाले हैं, हम लोगों को भी लगता था कि अरे अब तो जिस प्रकार का सेक्युलरिज्म हमारे भीतर आ गया है, वह सारे धर्म की मर्यादाओं को ध्वस्त करने वाला सेक्युलरिज्म,
वही हमारे ऊपर हावी रहेगा। यह अंधकार कभी मिटेगा नहीं। यह अंधकार अब हमारे देश को, समाज को, इस देश की अस्मिता को लेकर के पूरा डुबो देगा। लेकिन नहीं, पुनः एक बार आत्मविश्वास जगाने की आवश्यकता थी। वह आत्मविश्वास जिन जिन कार्यों के माध्यम से जगा, जिन जिन अनेक विध कार्यों के माध्यम से वह आत्मविश्वास इस देश के युवकों में जगा, उन अनेक कार्यों में एक महानतम कार्य माननीय एकनाथ जी ने खड़ा किया। और इसलिए इस प्रकार का महान कार्य करने वाले उस महान विभूति के जन्म शताब्दी के अवसर पर हम लोगों को भी अंतकरण में यही धारणा करनी चाहिए कि जिस प्रकार का उन्होंने स्वयं जीवन जी करके दिखाया और जो आदर्श हमारे सामने रखा, उन आदर्शों पर चलते हुए उस प्रकार के जीवन का थोड़ा बहुत तो भी अनुसरण करते हुए हम उनके कार्य को आगे बढ़ाते रहें। क्या थे एकनाथ जी? मैं स्वयं अपने को सौभाग्य संपन्न मानता हूं कि माननीय एकनाथ जी के 5 बार दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मेरे छात्र जीवन से उनके जीवन के अंतिम सप्ताह तक 5 बार उनके दर्शन और उनके साथ वार्तालाप करने का सौभाग्य मुझे मिला। वास्तव में वे चाहते थे कि मैं केंद्र के काम में जुड़ जाऊं, लेकिन बात ऐसी थी, कुछ संजोग और था। हमारे देश के और भी कुछ महापुरुष थे और उनकी मेरे लिए कुछ और योजना थी। मान्य दत्तोपन जी ठेंगड़ी और वकील साहब लक्ष्मण राव इनामदार जी, इन लोगों ने कुछ योजना बनाई थी। और मैंने कहा, उनके जीवन के अंतिम सप्ताह में मैंने उनसे कहा कि इस प्रकार की बात है, आप जैसा मार्गदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जो दत्तोपन जी ने कहा है वैसे ही आपको करना है। तो ये सारे अवसर जो मैंने प्राप्त किए, उन अवसरों में जो पहला अवसर है उनके दर्शन का, मैं उसको कभी भूल नहीं सकता। इतना महान कार्य करने वाला, लोगों से महान कार्य कराने वाला और एक राष्ट्र को और राष्ट्र को संपुष्ट करने वाले संगठन को चैतन्य देकर के खड़ा करने वाला यह महापुरुष, जब पहली बार उनसे मिलने का मुझे अवसर आया, आपको सही बतलाता हूं, मेरा प्रथम दर्शन में उनके लिए जो आकलन हुआ था, ऐसा लगा था संघ के शिविर में मेष विभाग का कोई कार्यकर्ता है। हाफ पैंट पहने हुए और छोटा सा बनियन और एक नैपकिन कंधे पर रखे हुए और चिंतनशील मुद्रा में घूम रहे थे। जब उन्होंने हमसे पूछा परिचय, हमने अपना परिचय अहंकार के साथ दिया क्योंकि हम फिलोसॉफी के स्टूडेंट थे। और जब उन्होंने फिलोसॉफी के प्रश्नों को पूछना आरंभ किया तो मेरे ध्यान में आया कि ये कोई अलग आदमी है, ये मेष विभाग वाला नहीं है। और फिर मैंने नाम पूछा, उन्होंने शालीनता के साथ कहा, मैं एकनाथ रानड़े। मैं तो आइसक्रीम से भी ठंडा हो गया। मैं किस महापुरुष के साथ डींगे हाक रहा था? मैंने साष्टांग दंडवत किया। मैंने कहा, एकनाथ जी मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपका इतना नाम सुना है, इतना इतना नाम सुना है, लेकिन पहली बार दर्शन। उसके पश्चात 5 बार मिलना हुआ। इन लोगों ने अपने जीवन का इस कदर समर्पण किया, कहीं की प्रेरणा प्राप्त करके इन्होंने स्वयं स्वीकृत वनवास ले लिया। ये सारे के सारे महान प्रचारक किस लिए अपने अपने घरों से बाहर निकल करके भारत माता की सेवा में लगे रहे? उनके अंतकरण में एक ही इच्छा थी, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, हे मेरी भारत मां, तुम्हें महान होना चाहिए। उनके अंतकरण में केवल यही एकमात्र आकांक्षा थी। कार्य के प्रकार अनेक थे, भिन्न भिन्न काम के आयाम उन्होंने हमारे सामने रखे, लेकिन अंतकरण में एक ही कामना थी कि भारत माता की गरिमा बढ़नी चाहिए, यहां का जो राष्ट्रीय समाज है उस राष्ट्रीय समाज का आत्मविश्वास जगना चाहिए, यहां की परंपराएं यथावत पुनः चलनी चाहिए। क्यों चलनी चाहिए? भारत का राष्ट्रवाद, भारत का नेशनलिज्म संसार के अन्य देशों के नेशनलिज्म से अलग है, ध्यान रखना, क्योंकि अन्य राष्ट्र जब बड़े होते हैं उनकी भावना के अनुसार जब उनका राष्ट्रवाद विकसित होता है तो अन्यों पर आक्रमण करने का उनको सूझता है। यह वो देश है जिस देश ने कभी किसी पर आक्रमण करने की बात सोची नहीं,
इस देश ने जाकर के लोगों को जीता, लेकिन अपने चरित्र के बल पर जीता, ज्ञान के बल पर जीता, अपनी करुणा के बल पर जीता, अपने प्रेम के बल पर जीता, तलवार के बल पर किसी ने किसी को जीतने का प्रयास इस देश से जाकर के किया नहीं। इसलिए विश्व के मांगल्य के लिए इस देश को बलवान होना चाहिए, और इस देश को यदि बलवान करना है तो सर्वसमावेशक आदर्श इस देश के सामने रखना चाहिए। ऐसा सर्वसमावेशक आदर्श स्वामी विवेकानंद जी से अधिक युगानुकूल कौन हो सकता था, और इसलिए स्वामी जी के उस आदर्श को हमारे सामने रख करके और भारत माता की आराधना करने की प्रेरणा देते हुए माननीय एकनाथ जी ने अपना सारा जीवन उसी में लगाया। आज विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र के कार्यकर्ता जाकर के जो जो कार्य कर रहे हैं उन समस्त कार्यों में स्वामी जी की प्रेरणा है। प्रेरणा स्वामी जी की होने पर भी ध्यान रखना, प्रेरणा में योजना एकनाथ जी की है, क्योंकि एकनाथ जी के लिए दूसरा यदि शब्द कोई उपयोग में लाना हो तो योजना, एकनाथ जी योजना बनाने में इतने कुशल थे, और उन एक बार योजना बन गई तो उसके पीछे पड़ने में और किसी भी प्रकार लक्ष्य तक पहुंचने में वे स्वयं अत्यंत प्रवीण और पूरी तरह उसमें समर्पित होकर के काम करने वाले थे। वे स्वयं इस राष्ट्र की चेतना को जगाने के लिए तिल 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 गलते हुए अपने जीवन को इसमें लगाए। ऐसा नहीं कि एकनाथ जी चले गए, हम लोग एकनाथ जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। एकनाथ जी का जन्म, एकनाथ जी के देह का जन्म वह 100 वर्ष पहले हुआ, और उसका मंगल दिन और उसका मंगल पर्व इस वर्ष के रूप में हम मनाएंगे, लेकिन उनके शताब्दी को मनाने की सही रीति क्या है, वही एकनाथ रानड़े हमारे अंतकरण में चेतना के रूप में जन्म लेकर के हमारे भीतर से काम करने लग जाए, यह शताब्दी का सच्चा उद्देश्य होना चाहिए। हम लोगों को उसी प्रकार का काम करने की प्रेरणा अंतकरण से मिलती रहनी चाहिए जिस प्रकार उन्होंने काम किया। वे स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में काम करना आरंभ करने के पश्चात एक अत्यंत विशाल दृष्टिकोण लेकर के, और वास्तव में संघ का दृष्टिकोण क्या है यह समझाने में लग गए, क्योंकि हिंदुत्व को, संघ को और ऐसे सारे कार्यों को बदनाम किया जाता रहा, ऐसे कार्यों को सोच सोच करके और कुछ बातें सुनाई जाती रही, किंतु अपने कार्यों से, अपने कर्तृत्व से, अपने वक्तृत्व से, अपने निर्माणों से हमारे अनेक महान लोगों ने ऐसा कुछ करके दिखाया जिसके कारण धीरे 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 ये सारी भावनाएं, सारा समाज अनेक बार विरुद्ध होने पर भी, सारी राजनीति की सत्ता विरुद्ध होने पर भी, सारे प्रसार माध्यम विरुद्ध होने पर भी, धीरे धीरे प्रक्रिया होते होते यह जनमानस के अंतर्गत जाकर के भावना बैठ गई और वह विवेकानंद की चेतना जागृत हो गई, और उसके परिणाम स्वरूप अच्छे दिन आखिर आ ही गए। इन अच्छे दिनों को लाने के लिए कार्य करने वाले जो महानतम लोग थे उनमें एकनाथ जी का स्थान अत्यंत बड़ा है। विवेक की चेतना जागृत करना और आनंद की सृष्टि करना, ऐसा संदेश लेकर के और ये सारे कार्यकर्ता चले, और ये सुंदर अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ। एकनाथ जी जैसा संगठक प्राप्त करना कठिन, उनके जैसा योजना निर्माण करने वाला देखने मिलना कठिन। एक भव्य स्वप्न देखना, लेकिन भव्य स्वप्न को देखने के पश्चात उसकी हर बारीकी की ओर पूरा पूरा ध्यान देना, ये दोनों बातें उनमें थी। एक बारीकी की ओर ध्यान देना भी थी, और जो भव्य सपना देखता है वो बारीक बातों को देखता नहीं, जो छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान देता है वो भव्य सपना देख सकता नहीं। पूज्य एकनाथ जी में हम दोनों बातों को देखते हैं, और उसके साथ वे स्वयं एक बात के तो अत्यंत कुशल कारीगर थे। सामने आने वाले किसी भी योग को देख करके, कार्यकर्ता को देख करके, उसकी योग्यता को पहचान करके, उसके साथ संपर्क करके, और कैसे उसे अपना बनाया जाए और कैसे अपने कार्य के लिए ढाला जाए, यह उनका कौशल्य केवल अद्भुत कौशल्य था। और ऐसे कौशल्य से
निर्माण अनेक कार्यकर्ता उनके द्वारा जोड़े गए, केंद्र में लाए गए और अपना स्वयं का एक नूतन उन्होंने यह महान प्रकल्प साकार करके दिखाया। इस प्रकल्प के उस महान अग्रदूत को प्रणामांजलि अर्पण करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। यह प्रणामांजलि वास्तव में कैसे दी जा सकती है? एकनाथ जी ने जो कुछ किया स्वयं के लिए नहीं किया, वह इस धर्म के लिए किया, इस राष्ट्र के लिए किया, भारत माता के लिए किया। नहीं नहीं, स्वामी विवेकानंद जी ने भी जो किया स्वयं के लिए कुछ नहीं किया, इस राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए, इस धर्म के लिए किया। और यह करते समय स्वामी जी ने एक बात और कही कि मनुष्य के भीतर श्रद्धा को जागृत करो, नहीं तो केवल वैज्ञानिक पद्धति से धर्म को समझाते समझाते आप एक आध बार ईश्वर को इलेक्ट्रिसिटी बना करके ही रह जाएंगे। मैं ऐसे वैज्ञानिकता की मान्यता दे नहीं सकता। और इसलिए स्वामी जी कहा करते थे हम लोगों को श्रद्धा का आलम्बन लेकर के चलना चाहिए। गंगा जल में स्नान करने से, गंगा जी में स्नान कर, स्वामी जी के स्वयं के वाक्य है, गंगा जी में स्नान करने से पाप कटते हैं, पाप हटते हैं। इसका वैज्ञानिक प्रमाण मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं है। मेरे ऋषियों ने कहा कि गंगा जी में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं। मुझे इतनी श्रद्धा अपने में रखनी चाहिए, गंगा जी में स्नान करते समय उस श्रद्धा के साथ मैं स्नान करूं, पाप कटेंगे इस भावना के साथ। यह श्रद्धा जीवन का अत्यंत बड़ा अनमोल धन है। पूज्य विवेकानंद जी दो वेद मंत्रों को, दो वेदों के टुकड़ों को बहुत महत्व देते थे, श्रद्धा सौम्य, श्रद्धा रखो और अभी ही निर्भय रहो, निर्भय रहो और श्रद्धा रखो और चलते चलो। निर्भयता के साथ श्रद्धा रखते हुए जब हम भारत माता को एक आराध्या जगन माता के रूप में, देवी के रूप में देख करके उसकी सेवा के लिए अपने जीवन को अर्पण करते रहेंगे, तो अपने आप हम अपने पूर्वजों का इसका अर्थ अपने शारीरिक पूर्वजों की बात नहीं कर रहा हूं, महाराणा प्रताप का, गुरु गोविंद सिंह जी का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, स्वामी विवेकानंद जी का, दयानंद सरस्वती महाराज का, इन सारे के सारे महापुरुषों का जो भी स्वप्न रहा है इस देश के बारे में, उन सपनों को साकार करने के लिए हम अब जल्दी सफल हो जाएंगे ऐसा लगता है। इस प्रकार का महान वातावरण जिन्होंने निर्माण किया, उस निर्माणकर्ता के जन्म शताब्दी के शुभारंभ के अवसर पर हम लोगों को यहाँ पर एकत्रित होना हम लोगों का सौभाग्य है। मैं तो आपके सामने केवल सूर्योदय होने तक, अरुणोदय होना चाहिए, इसलिए प्रधानमंत्री जी के आने तक मुझे बोलते रहना चाहिए। उनके आगमन की पूर्व तैयारी करनी चाहिए, उनके यहां पर आगमन की पूर्व तैयारी मैं कर रहा हूं यह बात सत्य है, लेकिन उनके उस आसन के ऊपर विराजमान होने की पूर्व तैयारी एकनाथ जी ने की थी यह बात सत्य है। यह बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। हम लोग सत्ता के आकांक्षी नहीं है, कौन किस आसन पर बैठा है इससे हमारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, हो को नृप हम ही का हानि। लेकिन एक बात जरूर है, सत्ता के उच्च आसन पर बैठने वाला इस देश की मिट्टी के साथ वफादार होना चाहिए। यहां के लोगों से प्रेम करने वाला होना चाहिए, यहां के मान बिंदुओं का संरक्षण करने वाला होना चाहिए, उसको यह कहने का एहसास होना चाहिए कि इस देश में गाय नहीं कटेगी, गाय हमारी माता है। उसको यह कहने का एहसास होना चाहिए कि गंगा जी का जल परम विशुद्ध है, भगवत समान है, और इसलिए गंगा जी की सेवा करने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं रखनी चाहिए। गंगा जी की सेवा, गो माता की सेवा, भारत माता की सेवा, इन सारी सेवाओं से साकार इस प्रकार का सुंदर भविष्य हम लोग देख रहे हैं, वह सुनहरा सपना पूर्ण होने जा रहा है। और इसलिए पूज्य स्वामी जी के और माननीय एकनाथ जी के उन वाक्यों को पुनः आपके सामने कह करके
मैं समाप्त करता हूं। ये स्वामी जी से पूछा गया कि हम आपके लिए क्या करें, विदेशी लोगों ने पूछा, स्वामी जी ने एक ही वाक्य कहा, उतना ही बोल करके समाप्त करता हूं। उन्होंने कहा कि यदि आपको स्वामी विवेकानंद के लिए कुछ करना है तो डू ओनली वन थिंग, लव इंडिया, लव इंडिया, लव इंडिया, दैट इज द मंत्र फॉर अस, लव इंडिया। धन्यवाद। आदरणीय स्वामी जी का आशीर्वाद हम सबकी ताकत बढ़ाने वाला ही होता है। वो उसको नहीं समझे अपने लिए, किंतु वो हम सबके लिए एक बहुत बड़ी बात है। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है, वो इस सभागार सभा कक्ष के बाहर इस प्रांगण में पहुंच चुके हैं। हम सभी से निवेदन करते हैं, आ गए हैं खड़े। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आमंत्रित हैं आदरणीय दीपक कुमार बौर ठाकुर जी। भारत के देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में उपस्थित है। माननीय एकनाथ जी जन्मशती पर्व की आयोजक समिति के ओर से मैं उनको हार्दिक स्वागतम जनाता हूँ। योर प्रेजेंस इज सेल्फ हैज इंटरेस्ट ऑल ऑफ अस सर, थैंक यू। मैं आदरणीय बौर ठाकुर जी से निवेदन करती हूँ कि सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, एक शॉल और तीन पुस्तकों का एक संच उनको देकर उनका अभिनंदन करें। इन पुस्तकों में एक है इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड थॉट एंड कल्चर, एक है स्टोरी ऑफ विवेकानंद रॉक मेमोरियल एज टोल्ड बाय एकनाथजी रानड़े, और तीसरी है साधना ऑफ सर्विस। चुनौतियों को संकट नहीं तो अवसर समझते थे माननीय एकनाथजी। उनका यह संदेश कन्वर्ट द ऑब्स्टिकल्स इनटू अपॉर्चुनिटीज जिन्होंने अपने जीवन में उतारा है, ये हम सब देख रहे हैं। ऐसे सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज के इस उद्घाटन सत्र में हम सबके साथ है, ये हम सबका भाग्य है। उनको नम्र निवेदन है, अनुरोध है कि मुख्य इनॉग्रल भाषण करते हुए हम सबको मार्गदर्शन करें। सभी पूज्य संतगण, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, और एकनाथ जी की प्रेरणा से जीवन में कुछ न कुछ करने की जिन्होंने ठान के रखी है और करते रहते हैं, ऐसे सभी उपस्थित वरिष्ठ महानुभाव, मेरे लिए बहुत सौभाग्य का ये अवसर है कि जिस महापुरुष को बचपन में हमारे लिए एक प्रेरणा के रूप में देखते थे, जिनके साथ छोटी आयु में कार्य करने का सौभाग्य मिला था, जिनकी सोच हर पल कुछ न कुछ नया सिखा करके जाती थी, ऐसे महापुरुष के शताब्दी पर्व के उद्घाटन समारोह में उन्हें प्रणाम करने के लिए आने का, श्रद्धाभाव अभिव्यक्त करने का अवसर उन्हीं के चरणों में जिसने अपनी
जीवन का महत्वपूर्ण समय बिताया था उस व्यक्ति को मिले तो वो कितने बड़े गर्व की बात होती है आप अंदाज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत लोग होंगे जिनका एकनाथ जी के साथ स्वाभाविक संपर्क आया होगा। मेरा भी एकनाथ जी के साथ बहुत ही निकट संपर्क रहा। और मैंने हमेशा पाया कि वो परफेक्शन के संबंध में इतने आग्रही रहते थे कि कभी कभी उनके साथ काम करने वालों को भी अपने आप को उस लेवल पे ले जाने में बहुत कठिनाई महसूस करनी पड़ती थी। जब विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा कैसी हो उसका निर्णय हो रहा था और उन चर्चाओं को मैंने भी सुना था, विवेकानंद जी की आंख किस तरफ देखें और उस आंख से क्या दर्शन हो, इतनी बारीकी से वे शिल्पकारों के साथ, उस चित्र बनाने वालों के साथ चर्चा करते थे। जब शिला स्मारक बन रहा है तो सामुद्रिक हवा, उसका अपना एक स्वभाव रहता है, उन पत्थरों का चयन किया जाए ताकि सदियों तक उस सामुद्रिक जो सॉल्ट एडेड एयर रहती है उससे उसको कोई खरोच ना आए। उन पत्थरों का सिलेक्शन कैसे करें, बनाने के बाद भी उनको लगा कि नहीं नहीं, आधुनिक टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग किया जाए, तो वो कौन सा केमिकल हो सकता है कि जिसको कुछ वर्षों के बाद अगर लगा लिया जाए तो फिर उसको सुरक्षित रखा जा सकता है, जबकि ये कोई उनके विषय नहीं थे, नहीं वो इंजीनियर थे, नहीं वो आर्किटेक्चर थे, लेकिन ये उनके उनकी एक विशेषता थी कि जो भी करें स्थायी भाव से करें, जो भी करें भविष्य को ध्यान में रख करके करें, जो भी करें सहज सरल उपयोगी हो, उन बातों को लेकर के वो हमेशा योजना करते थे। और ये विचार उनके मन में आना कि कोई काम करें तो जन भागीदारी से करें, शायद हिंदुस्तान में ये पहला ऐसा इनिशिएटिव था जिसमें जन भागीदारी का इतना बड़ा व्यापक आयोजन था और समर्थन था। हिंदुस्तान के 40 साल के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को पूछोगे तो बहुतेक लोग ऐसा बताएंगे कि हाँ भाई, मैं भी उस समय विवेकानंद रॉक मेमोरियल बनाने के लिए एक रुपया मैंने भी दिया था। इस देश के 40 से ऊपर की उम्र के लोग आज भी स्वामी विवेकानंद का वो रॉक मेमोरियल देखेंगे तो वहां जाते उसको लगता है हाँ भाई, इसमें मैं भी हूं, मेरा भी कुछ योगदान है। हिंदुस्तान के हर कोने में ये भाव जगाना कि शिला स्मारक भले कन्याकुमारी के समुद्री छोरों के बीच क्यों ना हो, लेकिन मैं चाहे नॉर्थ ईस्ट हूं, चाहे मैं पश्चिमी भारत में हूं, चाहे उत्तरी भारत में हूं, या मैं विश्व के किसी कोने में रह रहा हूं, लेकिन इस काम में मेरा भी योगदान है, मैं भी जुड़ा हूं, ये संस्कार, ये एक इमोशनल अटैचमेंट, सिर्फ रुपयों का काम होता तो शायद वो 50 लोगों से डोनेशन ले सकते थे। उनके दूसरा कौशल्य देखिए,
इस देश में उस कालखंड में जो राजनीतिक माहौल था वो एकनाथ जी के काम को और उसको अनुमोदन करने को सराहना करने वाले नेचर का राजनीतिक वातावरण नहीं था। एक प्रकार से उस समय का राजनीतिक जो एस्टैब्लिशमेंट था वो इस प्रकार की प्रवृत्तियों को अपना राजनीतिक विरोधी खेमे के रूप में देखती थी, वैसा माहौल था। लेकिन एकनाथ जी ने हिंदुस्तान का उस समय का कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होगा, कोई गवर्नर ऐसा नहीं होगा, केंद्र का कोई ऐसा मंत्री नहीं होगा जिसके यहां जाकर के दरवाजे पर दस्तक न दी हो। एक एक के पास खुद गए, शिला स्मारक की योजना बनाई, और शायद हिंदुस्तान का कोई राज्य ऐसा होगा जिस सरकार ने सरकार की तरफ से इसमें डोनेशन दे करके हिस्सेदारी न की हो। ये काम छोटा नहीं है, यानी अगर उम्दा उद्देश्यों को लेकर के चलें तो किसी भी राजनीतिक विचारधाराओं से प्रभावित लोगों को भी अच्छे काम के लिए जोड़ा जा सकता है। और इसलिए एकनाथ जी के हर कार्य के मूल बिंदु में एक भाव रहता था, जोड़ना। हर प्रकार की चीज को जोड़ना। वे भूतकाल को भविष्य के साथ की जोड़ने में लगे रहते थे, वे विपरीत विचारधाराओं को भी जोड़ने में लगे रहते थे। और उनके इस व्यक्तित्व के कारण 1975 में जब आपातकाल आया, संघ परिवार के लोग, लोकतंत्र में विश्वास करने लोग सारे जेल में थे, लेकिन एकनाथ जी उस समय शासन में बैठे हुए लोगों के लिए भी बातचीत करने का एक अच्छा माध्यम बने हुए थे। ये बात शायद उतनी प्रकट नहीं हुई है। जिस प्रकार से विनोबा जी भावे उस समय आपातकाल में श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए एक जगह बने थे, वहां जाते थे, और विनोबा जी का उनको थोड़ा एकाध भाग के काम में भी आ गया था, लेकिन एकनाथ जी नारडे पूरी स्थितियों में से बाहर कैसे निकला जाए, किन किन लोगों से विचार विमर्श किया जाए, शासन में बैठे हुए लोगों को एकनाथ जी पर भरोसा है, उनसे बात की जा सकती है। और एक महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि उन दिनों में मैं उनके साथ काफी समय रहा था, मैंने इसको, उनके इस कार्य को बड़े निकटता से देखा था। लेकिन वह सबको लगता था कि एकनाथ जी को भी कभी अरेस्ट कर लेंगे, एकनाथ जी को भी जेल में डाल देंगे, लेकिन उनके इस व्यक्तित्व के कारण वे एक प्रकार से उन दिनों में माहौल और ज्यादा न बिगड़े, समस्या के समाधान के रास्ते खोजे जाएं, इसमें अहम भूमिका एकनाथ जी रानडे ने निभाई थी। लेकिन स्वयं प्रचार प्रसिद्धि से दूर रहते थे, अपने काम में डूबे रहते थे, इसलिए इन बातों को कभी उनकी तरफ से उजागर नहीं किया गया। व्यक्ति की पहचान और व्यक्ति की खोज, ये उनकी विशेषता रहती थी। एक बार उन्होंने कहा कि मैं फलाने फलाने ट्रेन से आ रहा हूं, तुम रेलवे स्टेशन पर आ जाओ, और वहीं स्टेशन पर नजदीक में कहीं स्नान वान करके मेरे साथ तुम माउंट आबू चलो। तो मुझे मालूम नहीं था क्या काम है, कैसा है इतना। अब मैंने देखा कि उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिला था, तो वो उस समय शायद थर्ड क्लास रहता था ट्रेन में, तो ऐसे ही शायद बैठ करके आए होंगे, बड़े थके हुए नजर आ रहे थे। मैंने कहा थोड़ा आराम कीजिए। नहीं नहीं बोले, आबू पहुंचना है, तुम चलो मेरे साथ। वही स्टेशन के पास एक जगह पर स्नान वान हो गया, हम चल दिए। रास्ते में मैंने पूछा कि ये क्या आप एकदम से निकले हो, क्या हो? तो रामकृष्ण मिशन के एक स्वामी जी, जो रामकृष्ण मिशन से अलग होकर के अपना आबू में रह करके साधना वगैरह करते थे, अपना एक अलग से जीवन व्यतीत करते थे, वो उनको मिलना चाहते थे।
हम गए और मैंने देखा कि उन्होंने जिस श्रद्धा से उनको प्रणाम किया, हम तो एक स्वयंसेवक के रूप में उनके पास थे, हमारा तो कोई रोल ही नहीं था, लेकिन चीजों को देखने का, ऑब्जर्व करने का अवसर था। और वो उनको आग्रह करने लगे कि ठीक है, अब आप रामकृष्ण मिशन की व्यवस्था से बाहर हुए हैं, अलग से काम कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा काम है, आप विवेकानंद शिला स्मारक की व्यवस्था से जुड़िए और आपकी जो तपस्या है देश के युवाओं को प्रेरणा दे उसके लिए काम लगाइए। यानी माउंट आबू पर बैठे हुए एक इंसान को अपने काम से जोड़ने के लिए इतना परिश्रम उठा करके आना और 3 दिन रुक करके हर आधे पौने घंटे के बाद फिर सिटिंग होना, फिर 2 घंटे के बाद फिर बैठना, फिर बात करना, फिर खुलेपन से चर्चा करना, पूरी तरह परसू करते रहना। मैं देख रहा था कि एक काम के लिए, और जो एकनाथ जी के लिए कहा जाता है 1 लाइफ 1 मिशन, वो जी करके दिखाया था उन्होंने। उस काम की सफलता के लिए लोग कैसे मिले, और उन्होंने जब देश के युवा धन को राष्ट्र निर्माण में लगाने के लिए जो कल्पना की और युवकों का आह्वान किया कि अगर आप स्वामी विवेकानंद में श्रद्धा रखते हैं तो जी करके दिखाइए। हमें स्वामी विवेकानंद अच्छे लगे इतने से बात बनती नहीं है। उन्होंने भारत माँ का जो रूप देखा है, जो कल्पना की है, उसको चरितार्थ करने के लिए हमारा भी तो कोई योगदान होना चाहिए, और इस बात को लेकर के वो लगे रहते थे, बहुत ही आग्रह से उस काम को करते थे। और देश के युवाओं में एक चेतना जगह, और मैं देख रहा था क्योंकि उस समय जब गुजरात में इस प्रकार के युवकों का साक्षात्कार होता था, जिनको बाद में इस प्रक्रिया में जोड़ना होता था, उस साक्षात्कार के लिए जो लोग बैठते थे तो मुझे भी उसमें बैठने का सौभाग्य मिलता था, और उनकी जो टीम आती थी साक्षात्कार करती थी, पहला लेयर जो पार होता था, बाद में एकनाथ जी स्वयं उनसे बात करते थे। और मैं देख रहा था कि उस पूरी प्रक्रिया से जब एकनाथ जी को कोई भी नौजवान मिलता था तो उसे लगता था बस अब घर वापस यहीं से नहीं जाना, यहीं से चला जाना है, एकनाथ जी ले जाओ मुझे, मैं आप जो कहेंगे कर दूंगा। मैं समझता हूं ये अपने आप में बहुत बड़ी उनकी सिद्धि थी। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन का निर्माण किया उसी आदर्शों और विचारों की परिपूर्ति के लिए एक नया प्रकार, और वो भी रामकृष्ण मिशन की सारी प्रवृत्तियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के। वरना कभी कभार एक ही प्रकार से 2 संस्थान आमने सामने हो जाते हैं या पैरेलल चलने लग जाते हैं। एकनाथ जी को लक्ष्य पे इतना बड़ा श्रद्धा थी कि वे मींस के विषय में ऐसी कोई चीज पसंद नहीं करते थे जिसके कारण अंतिम जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को कोई चोट पहुंचे, और ये काम को वो लगातार करते रहते थे। उनका उदार मन भी रहता था, वो परफेक्शनिस्ट थे, आप में से सबने उनका परफेक्शन का स्वभाव कैसा है बड़ी बारीकी से देखा होगा, और सादगी कैसी थी। इतना बड़ा शिला स्मारक बनाया, अरबों खरबों रुपए का शिला स्मारक बनाया, लेकिन एकनाथ जी स्वयं वहां जिस कमरे में रहते थे उसकी छत टीन की छत थी, एक कमरा था उसी में रहते थे। वरना इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अरबों खरबों रुपए लगे हैं, वे भी अपने लिए एक अच्छा बढ़िया सा मकान वहां बना सकते थे, छोटा बंगलो बना सकते थे, उसमें रह सकते, और दुनिया कभी उसको बुरा नहीं मानती। लेकिन उन्होंने आखिरी अंत तक उसी छोटे से कुटिया में, मैं कहूंगा वो कमरा भी नहीं था, कुटिया थी, टीन के छत थी, आप से जो लोग उनसे परिचित हैं वो भली भांति जानते हैं, उसी में रहे। यानी सपना पूरा करने के लिए सब कुछ करना, अपने लिए कुछ न करना, ये उन्होंने जीवन भर जी करके दिखाया। और परफेक्शनिस्ट के नाते तो
मैं नहीं मानता हूं, हम पूरे संघ परिवार में उनकी बराबरी में कोई हो सकता है। वे कागज हो तो कैसा हो, इसमें भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। एक बार गुजरात में आरएसएस का शिविर था, वो आए थे तो एक परिवार में हमने उनका ठहरने का प्रबंध किया था। उस परिवार में वो सेट ही नहीं हो पाए, डिस्टर्ब रहते थे, तीन दिन रुकना था। और कमरे में जब जाते थे तो भी उनकी नजर वहां जाती थी, बाहर निकलते थे तो भी वहीं जाती थी। तो मैं पहले दो दिन तो मिल नहीं पाया, लेकिन तीसरे दिन मैं उनके पास गया। मैं कहा एकनाथ जी कैसा रहा, कोई कठिनाई तो नहीं हुई वगैरह, क्योंकि हम बड़े शिविर में लगे थे और वो रात को वहां रुकते थे और दिन में शिविर में आते थे। तो बोले ये जो ट्यूबलाइट है ना, ये टेढ़ी लगती है। वो जब तक घर में थे उस परिवार के पास, उस ट्यूबलाइट को उन्होंने ठीक नहीं करवाया तब तक वो चैन से बैठे नहीं। मुझे बराबर स्मरण है, परम पूज्य गुरु जी का स्वर्गवास हुआ, रात को 9:05 पे परम पूज्य गुरु जी ने अपना देह छोड़ा। बाद में मुंडिया को सूचना करनी थी, और रात को आज समय बदल चुका है, आज तो रात को 11 खबर दो तो भी खबर पहुंच जाती है, टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हुई है। अब उस समय 9 हुआ तो ये आवश्यक था कि भी जल्दी से जल्दी मीडिया को जानकारी दी जाए, आगे का अंत्येष्टि कब होगी, कैसे रहेगा सारा। तो उस समय एकनाथ जी नागपुर में मौजूद थे, पुण्य गुरु जी ने जब अपना देह छोड़ा तो उनको कहा गया कि एकनाथ जी जरा ड्राफ्ट बनाइए। अब आप कल्पना कर सकते हैं गुरु जी के प्रति एकनाथ जी की श्रद्धा, उनका समर्पण भाव, समय की पाबंदी, देश और दुनिया को बताना है कि ऐसा हुआ है। अब ड्राफ्टिंग करने के लिए बैठे, 5-6 लाइन, उस समय तो कंप्यूटर था नहीं, टाइपराइटर करे तो भी वो बात बनती नहीं थी, उनके अक्षर बहुत छोटे और बहुत अच्छे अक्षर हैंडराइटिंग थे उनके, लिखते थे 3-4 लाइन लिखते थे, फिर उनको लगता थे ठीक नहीं तो कागज फेंक देते थे, फिर 5-7 लाइन पर पहुंचते थे, फिर कोई अच्छा नहीं था कागज, करीब 8-10 कागज परफेक्शन नहीं आने के कारण। और उधर सब परेशान थे, एकनाथ जी वो मीडिया में देर हो रही है, जल्दी कीजिए। खैर एकनाथ जी का परफेक्शन का नेचर इतना हावी था कि वो नहीं कर पाए। और मुझे याद है बाबाजी थत्ते ने उनसे वो कागज छीन लिया और उन्होंने कहा आपने जो किया है वो परफेक्ट ही है, मैं भेज देता हूं, और उन्होंने भेज दिया। यानी उनका ये जो कहीं पर भी एक शब्द इधर उधर ना हो जाए, ये इनकी इनकी विशेषता रही। उनकी डायरी मुझे मालूम नहीं उनकी डायरी को रखा गया कैसे रखा गया है, डायरी लिखने की बिल्कुल अलग सी पद्धति थी। नॉर्मली हम जैसे डायरी लिखते थे वो ऐसे नहीं लिखते थे, बहुत ही अलग तरीका था। मिलने वाले व्यक्ति, उनसे हुई बातचीत और उसमें से काम में आने वाली अपने जीवन में उपयोगी बात, उसको वो छांटते थे और उसको अपने डायरी के कोने में लिख के रखते थे। और मुझे नहीं लगता शायद कितने ही कठिन परिस्थिति क्यों ना हो उन्होंने डायरी अपनी छोड़ी हो, इतने परिश्रमी इतना जीवन। लेकिन एक और बात थी, वे कभी बीमारी सहन नहीं कर पाते थे, थोड़ी सी भी बीमारी से वो इतने डिस्टर्ब हो जाते थे, बहुत परेशान हो जाते थे और अगल बगल वालों को भी परेशान कर देते थे। वो अपने आप को यानी वो बहुत ही अनकंफर्ट हो जाते थे। कभी कभी मुझे लगता था कि उस समय एकदम से वो बालक अवस्था में हो जाते थे, क्योंकि मैंने उनके निकट इस प्रकार से रहा हूं, इसलिए मैं उन बातों को आज मेरा मैं जब यहां आ रहा था तो मन कर रहा था कि मैं और कोई भाषण करने के बजाय मैं ही कुछ पल के लिए एकनाथ जी को जी लूं और उस जीने के भाव से मेरे हृदय से बातें निकली हैं। लेकिन जो बात उनकी श्रद्धा युवकों में थी,
जो बात विवेकानंद जी ने कहा था कि मुझे 1000 युवक मिल जाए मैं दुनिया में ये कर सकता हूँ, इनके मन में था कि विवेकानंद जी के सपनों वाले युवक कैसे तैयार करें और उसी में वो लगे रहे। आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर इतना साइलेंटली जन सामान्य के जीवन में बदलाव लाने का काम करने में विवेकानंद केंद्र ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, बहुत बड़ी भूमिका। एकता के साथ साथ इन कठिनाइयों के बीच भी हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं, देश के लिए जी सकते हैं, ये भाव पैदा करना। अच्छे से अच्छे परिवारों में पैदा हुए नौजवान, सुख संपन्न जीवन में पले भड़े नौजवान, एकनाथ जी के कहने पर नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में अपनी जवानी खपा देने लग गए। ये छोटी चीज नहीं है। और कभी कभार सन्यासी बनने से वो एक ऐसी महान विरासत हमारे देश में रही है कि एक बार आप सन्यासी बने और कपड़े धारण किए तो ये समाज अपने आप आपको एक ऊंचाई पर सेट कर ही देता है। आपका मान सम्मान करना, आपकी सुख सुविधा की चिंता करना, ये समाज के सहज स्वभाव में है। लेकिन ऐसे कपड़े न पहनते हुए ऐसा जीवन जीने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि समाज के मन में वो सन्यासी के प्रति है वो भाव नहीं होता है, क्योंकि ये तो कोट पटलून पहन के आता है, लेकिन भीतर से जीवन वो जी रहा है जो एक सन्यासी से अपेक्षा होती है। ये एक ऐसा कठिन पल होता है जिस समय में समाज की कभी कभी उपेक्षा, कभी कभी उदासीनता, और कभी कभार ठीक है यार आए हो बैठो, ऐसी अवस्था में इस जीवन को स्वीकार करते हुए जीना ये सबसे कठिन काम होता है। अगर आप राजनेता हैं तो लीडरी का दबदबा होता है, अगर आप सन्यासी हैं तो उस परंपरा का दबदबा होता है, लेकिन ऐसी कोई विरासत के बिना एक झोला लेकर के चल पड़ना, जस एकनाथ जी ने कहा है विवेकानंद जी की प्रेरणा, ये मैं समझता हूं एक असामान्य काम उन्होंने किए। और ऐसे सैकड़ों जवान, हजारों के जवान लगातार लगे रहे। दूसरा, उन्होंने इसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया, इस आइडिया को इंस्टीट्यूशनलाइज किया। परंपरा चलती रही, आज भी नौजवान हर वर्ष विवेकानंद केंद्र से जुड़ते हैं, अपनी कैरियर छोड़ करके जुड़ते हैं, वहीं पर लग जाते हैं, आगे चल करके परिवार बसाते हैं तो भी समर्पित भाव से वहीं पर परिवार बसा करके अपने आप को खपा देते हैं, और पूर्णतया वन लाइफ वन मिशन के साथ समाज सेवा के सिवाय कोई मार्ग नहीं, भारत माता का कल्याण, स्वामी विवेकानंद के सपनों को साकार करने का एक संकल्प, यही उनके जीवन की विशेषता रही है। और इसलिए मैं समझता हूं देश के युवा के लिए ये शताब्दी वर्ष ये युवा मन को जगाने का एक अभियान है, और युवा भारत को दिव्य भव्य बनाने का एक मार्ग प्रशस्त करने का वाले का एक अवसर है। हमारा भारत युवा है वो दिव्य भी बने, भव्य भी बने। हम वो लोग नहीं है सिर्फ भव्यता चाहते हैं, हम वो लोग हैं दिव्यता भी चाहते हैं, क्योंकि विश्व भारत से दिव्यता की अनुभूति का अपेक्षा कर रहा है, और भारत से गरीब गरीब से गरीब व्यक्ति भारत की भव्यता की अपेक्षा करता है, और दोनों का मेल कर करके इस देश के निर्माण की दिशा में मैं आगे बढ़ता हूं। इस काम की पूर्ति के लिए मैं समझता हूं एकनाथ जी की शत शताब्दी हम लोगों को प्रेरणा देती है। कभी कभी सामान्य मानवीय के जीवन में एक उलझन रहती है, ज्यादातर लोगों के जीवन में जीवन का मकसद होता है सफलता, लेकिन विवेकानंद केंद्र हमें सिर्फ सफलता के मार्ग पर जाने की प्रेरणा नहीं देता है, और यहीं पर बदलाव शुरू होता है। आप दुनिया में किसी को भी सुनिए, किसी भी बताइए, हर कोई कहता है भाई सफल हो, हर कोई संदेश यही होता है। एकनाथ जी का संदेश
सफल हो यहां पर नहीं रुकता था, उनका आग्रह रहता था सार्थक हो। सार्थक होने के लिए सफलता एक स्टेशन है जो सार्थकता की ओर ले जाने के लिए आखिरी स्टेशन पर ले जाता है, लेकिन सफलता ये जिंदगी का अंतिम छोर नहीं हो सकती है। आज का युग जो कि सफलता से ही बेंचमार्क हो चुका है, उसे सार्थकता की ओर ले जाना ये बहुत ही सार्थक प्रयासों की आवश्यकता रखता है। जब मैं ये बात किसी को बताता हूं भाई सफलता और सार्थकता के बीच में अंतर क्या है, तो कभी कभी समझाना, आज जगत इतना बदल गया है कि कठिन हो जाता है। लेकिन कोई सुने कि भाई बिल गेट का काम क्या था, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दुनिया में बहुत बड़ा नाम बना दिया, अरबों खरबों रुपए कमा लिए, सफलता की ऊंचाइयों को पा लिया उन्होंने, लेकिन फिर लगा सफल तो हुआ सार्थक होना बाकी है। और तब क्या किया, सारे रुपये डोनेशन में दे करके चल पड़े, गरीब देशों में जाते हैं, टॉयलेट बनाओ, सफाई करो, इसी में लग पड़े और जीवन की सार्थकता की अनुभूति कर रहे हैं। सफलता को सार्थकता की ऊंचाइयों पर कैसे ले जाएं, जीवन सिर्फ सफल नहीं, जीवन सार्थक कैसे हो, ये सार्थक जीवन की दिशा एकनाथ जी नानरे के शताब्दी पर्व में अगर हम संदेश देने में सफल होते हैं तो हमारे देश की युवा पीढ़ी को एक नया चिंतन, नई दिशा, नया उत्साह, नया उमंग, नई प्रेरणा, नए संकल्प, नए लक्ष्य देने के लिए एक अवसर बनकर के रह जाता है और उस अवसर को हमने लेना चाहिए। एकनाथ जी कभी भी हार मानने वालों में से नहीं थे, वे हर आपत्ति को अवसर में पलटना इसी को अवसर मानते थे, हर आपत्ति को अवसर में पलटना। जब शिलान्यास की चर्चा चल रही थी बहुत कठिनाइयां थी, सरकारें अनुकूल नहीं थे, उस पर क्लेम करने वाले बहुत लोग थे, मछुआरों के सामने संकट था कि हमारी रोजी रोटी का क्या होगा, कई प्रकार के संकट थे, लेकिन उन सारे संकटों को समझौते के माध्यम से समाज के लोगों को साथ लेकर के उसका निराकरण हुआ। और आज हिंदुस्तान के हर नागरिक को, किसी जमाने जो बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करने का मन होता था, आज देश के नौजवान को शिला स्मारक पर जाने का मन कर जाता है। ये काम इस पीढ़ी में इस महापुरुष ने हमें दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने निर्जीव स्मारक नहीं बनाया, एक चेतनवंत व्यवस्था को स्वीकार खड़ा कर दिया, जो चेतनवंत व्यवस्था समाज जीवन में अविरत चेतना भरने का काम कर रहे, नई पीढ़ी निकलती रहे, राष्ट्र के लिए समर्पित होती रहे और राष्ट्र कल्याण के लिए अपना जीवन लगाती रहे, ये परंपरा को उन्होंने आरंभ किया। मेरा सौभाग्य है ऐसे महापुरुष की उंगली पकड़ करके चलने का मुझे अवसर मिला है, ये सौभाग्य छोटा नहीं होता है। कभी सर पर वो हाथ रखते थे, कभी पुचकारते थे मुझे, कभी कभी मैं देखता था वो कभी दोपहर को सोते नहीं थे, अब हम कभी सोते थे तो मुझे कह रहे थे चलिए खाना खाने के बाद हम टहलेंगे, और वो टहलने के लिए ले जाते थे, और उन्होंने मुझे दोपहर को सोने का बंद करवा दिया था। यानी छोटी छोटी चीजें, एक साथी को कैसे डेवलप करना, एक अपने साथी को कैसे विकसित करना, उसके विषय में कितना जागरूक प्रयास करना, ये उनके जीवन की विशेषता रही थी। मैं उनके जीवन को, उनके कार्य को, उनके सपनों को नमन करता हूं और मुझे विश्वास है कि ये प्रयास देश की युवा पीढ़ी को सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा देगा, सफलता से सार्थकता की ओर कैसे आगे बढ़ें इसका रास्ता प्रशस्त करेगा, और सामान्य मानवी के जीवन में सार्थक होने का सपना जगे, इस दिशा में प्रयास सफल होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं फिर एक बार इस महान प्रयास के लिए विवेकानंद केंद्र से जुड़े हुए सभी लोगों को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। खूब खूब आभार सम्माननीय प्रधानमंत्री जी।
आपने एकनाथ जी के ऐसे अनुभव, ऐसे विचार हम सबके साथ साझे किए हैं जो निश्चित हम सबके लिए प्रेरणादायी है। इतना ही नहीं, तो यहाँ से जाते समय हम निश्चय करके जाएंगे कि अपने जीवन में सफलता सार्थकता का अंतर समझते हुए हमारे जीवन को भी सार्थक करने में हम अपना पूरा समय पूरी शक्ति लगाएं। विवेकानंद केंद्र के अध्यक्ष माननीय पी परमेश्वरन जी आज के इस समारंभ में प्रकृति अस्वास्थ्य के कारण उपस्थित नहीं हो पाए हैं, उन्होंने फिर भी अपनी शुभकामनाएं सबके लिए भेजी हुई है। मैं निवेदन करती हूँ माननीय एकनाथ जी जन्मशती पर्व के उपाध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस सी वी रामलू जी से कि वो कृतज्ञता ज्ञापन करके सबका धन्यवाद करें। गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी। इट गिव्स मी ए ग्रेट प्लेजर इन प्रपोजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड रादर आउट ऑफ थैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ विवेकानंद रॉक मेमोरियल एंड विवेकानंद केंद्र ऑन द ईव ऑफ द इनॉग्रेशन ऑफ माननीय एकनाथ जी जन्मशती पर्व टुडे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई डीप सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड to the Honorable Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi for having very graciously consented to participate and for delivering Mananiya Eknath Ji Shatajayanti Parva inaugural address despite busy schedule. Sir, your speech today has inspired the entire family of Vivekananda Rock Memorial and Vivekananda Kendra, both national and international. Sir, this goes a long way in the history of Vivekananda Rock Memorial and Vivekananda Kendra. This is nothing but one visionary depicting the other visionary. Our Honorable Prime Minister himself is a visionary. He depicted so minutely about Mananiya Eknath Ji. We thank you from our bottom of our heart. I would also thank other dignitaries on the dais and the dignitaries present here for having taken their time out to be with us today in these celebrations. A special word for praise and thanks to the karyakartas and brothers and sisters from Delhi and all other states who made this function more illustrious. I also thank both electronic and print media for covering the inaugural celebrations to carry the message to the public at large. Finally, I would like to place on record our gratitude for the sincere services rendered by the management and staff of Vigyan Bhavan and the Government of India for making excellent security arrangements. Thanking you all once again, Jai Hind. शांति पाठ से कार्यक्रम की सांगता होगी, उसके पश्चात प्रधानमंत्री जी जब तक नहीं जाते हैं सब लोग यहीं बैठे रहेंगे। शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवे।